आप बच्चों को पढ़ा रही हो? अच्छा, हाँ, कितने बच्चे हैं इस स्कूल में? इस स्कूल में 20-40 बच्चे हैं। आज टीचर आने की वजह से आज कम बच्चे आ रहे हैं, जो यहाँ हमारे गांव के ही बच्चे हैं और नहीं बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, टीचर कब से नहीं आ रहा? 5 दिन से, 5-6 दिन से नहीं आ रहा। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। आप पढ़ाती हो? हाँ। अच्छा, बच्चों को तालीम आप दे रही हो? बच्चे शौक से पढ़ते हैं, कहते हैं आप ही आप पढ़ो। अच्छा, टीचर नहीं आ रहा, हमारे हमारे बच्चों का तालीम खराब हो रही है, टीचर ही नहीं आ रहा। अच्छा, 5-6 दिन से टीचर नहीं आ रहा, बच्चे कह रहे हैं आप पढ़ाओ आप पढ़ाओ। अच्छा, आप किस स्कूल में पढ़ती हो? मैं इलाहाबाद मॉडल स्कूल पक्का चंग में पढ़ती हो, और आज छुट्टी की वजह से आप इनको पढ़ा रही हो? आज मेरी छुट्टी है स्कूल की और मैं आज बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अच्छा, अब इधर अहले इलाका में शिकायतें की हैं उस्ताद की कि उस्ताद नहीं आ रहा, तो उसके बावजूद भी नहीं उस्ताद मिल रहा, तो सब ने की है, कोई टीचर ही नहीं आ रहा, कोई मिस या कोई उस्ताद ही नहीं आ रहा हमारे स्कूल में। उस्ताद बच्चों की तालीम खराब हो रही है। अच्छा, उस्ताद तो मुकर्रर है ना? हाँ, आता नहीं है वो, घर बैठ के तनख्वाह खाता है। हाँ। अच्छा, आपने सुना इस बच्ची का कहना है कि मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, आप देखें फूलों जैसे बच्चे हैं जो बैठे हैं, और ये तालीम दुश्मन जो उस्ताद है वो स्कूल नहीं आ पा रहा और इनको बच्चों को नहीं तालीम दे रहा, तो अब किसको ये फरियाद करें? ये देखें, ये बच्चे मौजूद हैं, ये अभी बच्चे पढ़ने आए हैं लेकिन टीचर नहीं है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, लेकिन यहाँ का जो फर्नीचर है ये अहले इलाका ने अपनी मदद आप तहत ये स्कूल का फर्नीचर जो है ये रख के और तालीम दिलवा रहे हैं बच्चों को, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जानब से, महकमा तालीम की जानब से कोई भी फर्नीचर नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि ये जो बैठने की बेंच है इसको कहते हैं, तो ये देखें ये ईंटों पे खड़ी है, ईंटों पे खड़ाई गई है और बच्चे यहाँ पे बैठ के तालीम हासिल करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि काफ़ी मरतबा ये बच्चे जो हैं इस बैठने वाली ये जो है अपना चेयर और डेस्क जो है उससे गिर चुके हैं, काफ़ी बच्चे ज़ख्मी हो चुके हैं। आपको मैं ये दिखाता चलूँ कि यहाँ पे ये पाकिस्तान के परचम भी लगे हुए हैं इस स्कूल में, इसमें साबित होता है कि ये स्कूल के जो मालकान हैं ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। जो सजा के रखा है स्कूल के ये पाकिस्तान के परचमों और इनसे, उसके बावजूद भी यहाँ पे टीचर नहीं आ रहा, और काफ़ी मरतबा शिकायतें करने के बावजूद भी जो है वो टीचर नहीं आ रहा, घर बैठ के तनख्वाह ले रहा है। आप देख सकते हैं ये डेस्क दूसरी डेस्क है जहाँ पे ये ईंटों पे खड़ी हुई है। अच्छा, अब सिंध के दावे तो ख़त्म हो चुके हैं और सिंध हुकूमत को दिखाई भी देगा कि यहाँ पे बच्चों को बच्चे ही पढ़ा रहे हैं, टीचर नहीं है, मुकर्रर है, तनख्वाह लेता है लेकिन आता नहीं है। ये क्या हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये तालीम दुश्मनी है, और तालीम दुश्मनी की वजह से इन बच्चों को बच्चों से दुश्मनी की जा रही है? और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि एक माह से इस उस्ताद मुरादरी जान का यहाँ पे आर्डर हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बच्चों को पढ़ाने नहीं आ रहा। अब इन बच्ची का कहना है कि मैं मजबूरन पढ़ा रही हूँ और मैं अल्लाबास मॉडल स्कूल में तालीम हासिल कर रही हूँ, लेकिन आज छुट्टी की है इन बच्चों की वजह से बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये एक मैसेज है पूरी वर्ल्ड को और पाकिस्तानी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, इमरान खान को, और महकमे तालीम का जो वफाकी मिनिस्टर है उनको, सदर पाकिस्तान को एक मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट खैरपुर की तहसील फैज़गंज का बॉयज़ प्राइमरी स्कूल रसूल बख्श चांद जो मेरा नेशनल हाईवे के नज़दीक ही है, और यहाँ पर जो है जुल्म हो रहा है बच्चों के साथ, बच्चों की तालीम तबाह होने लगी है, उसके बावजूद यहाँ पर मैं आपको दिखाता जाऊँ कि यहाँ पे किताब भी मौजूद है जो ये बच्चों के लिए किताब मुहैया किए गए हैं, और डीओ एजुकेशन तालिब हुसैन चाकरानी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तालिब हुसैन चाकरानी से मेरी बात हुई है, तो उसका कहना है कि
यहाँ का जो पेटे अलफ का जो सदर है ये टीचरों को सपोर्ट कर रहा है और टीचरों को सपोर्ट करने की वजह से काफ़ी स्कूल बंद हो जाते हैं और यहाँ पे पढ़ने नहीं आते। तो उसके हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आखिर इन बच्चों का क्या कसूर है, इन बच्चों की ज़िंदगी क्यों तबाह की जा रही है और ये टीचर क्यों नहीं आ रहे और सिंध गवर्नमेंट इनको क्यों नहीं पाबंद करती और इनको तनख्वाह भी दे रही है, तो आखिर इनकी तनख्वाह क्यों नहीं बंद की जाती और इस स्कूल में क्यों नहीं टीचर आ रहा। तो अब इसका ज़िम्मेदार जो है किसको ठहराएं, सिंध गवर्नमेंट को ठहराएं या मुख्य तालीम एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के डीओ को ठहराएं या टीओ को ठहराएं, तालिब हुसैन चक्रानी को जो यहाँ पे ऑफिसर होते हुए भी काफ़ी मरतबा अहले इलाका ने शिकायतें की है। मैंने खुद फ़ोन की है, अभी मैंने फ़ोन की है, लेकिन उसका कहना है कि यहाँ का जो टीचर है वो आने के लिए तैयार नहीं है और पेटे अलफ का जो सदर है उनकी मुकम्मल तौर सपोर्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये उस्ताद जो है ये तालीम नहीं पिरा रहे। आप देख सकते हो कि ये फूल कितने मासूम फूल लगा हुआ है, कितनी खुशबूदार है, कितने फूल दिए हैं। ये हमारे बच्चे भी ऐसे ही फूल जैसे हैं, अगर इनको तालीम नहीं मिली, जैसे इन फूल को पानी नहीं मिलता तो ये मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर हमारे मुस्तकबल के मेमारों को तालीम नहीं ना मिली तो ये हमारे मुस्तकबल के मेमार जो हैं ये मुकम्मल तबाह और बर्बाद हो जाएंगे और इनसे खुशबू और इनकी चाहत ये मुकम्मल ख़त्म होती जाएगी। अब मैं वफाकी गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ, इमरान ख़ान से और सदर पाकिस्तान से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, और मैं मुतालबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और सेशन के जज साहबान से खैरपुर के, कि आप देखें यहाँ पे कितनी नाहली है मुकमे तालीम की और इस मुकमे तालीम की नाहली की वजह से इन बच्चों का जो है मुस्तकबल तबाह हो रहा है। और मैं इन सबको मुतालबा करता हूँ कि खुदा रा इन बच्चों का मुस्तकबल बचाया जाए और जो टीचर है उनको पाबंद किया जाए कि यहाँ पे आए डेली रोज़ाना आए, इन बच्चों को तालीम दें ताकि ये बच्चों का मुस्तकबल बच सके और हमारा पाकिस्तान, अगर इन बच्चों का मुस्तकबल संवर गया तो हमारे पाकिस्तान का भी मुस्तकबल बच सकता है, हमारे सिंध का मुस्तकबल बच सकता है। लेकिन सिंध में इतनी जुल्म और ज़्यादती है कि इन बच्चों का मुस्तकबल हाथ से ख़राब किया जा रहा है, सियासी बुनियादों पर ख़राब किया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस टीचर को काफ़ी सियासी वडेरों का भी जो है वो सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये इतना टीचर बासर है कि वो आने के लिए तैयार नहीं है, एहतियात कर रहे हैं अहले इलाका, उसके बावजूद भी यहाँ पे नहीं आ रहा। तो आखिर इन बच्चों का क्या कसूर है, इन बच्चों की ज़िंदगी से क्यों खेला जा रहा है और इन बच्चों की ज़िंदगी क्यों तबाह की जा रही है, ये मेरा एक सवाल है सिंध गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से और चीफ सेक्रेटरी सिंध से, कि इन बच्चों की ज़िंदगी से क्यों खेला जा रहा है और इन टीचरों की सियासी सपोर्ट क्यों की जा रही है। आखिर इन बच्चों का, इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जिनकी ज़िंदगी तबाह की जा रही है और ये फूलों जैसे बच्चे हैं जो पढ़ने आ रहे हैं और किताब भी मौजूद है गवर्नमेंट की जानिब से लेकिन टीचर नहीं है, टीचर तनख्वाह ले रहा है, तो आखिर इनका क्या कसूर है। अब हमारी ये आवाज़ मुकम्मल तरीके से सुनी जाए और इस पर अमल किया जाए ताकि इस स्कूल में टीचर मुकर्रर किया जाए और जो टीचर नहीं आ रहा उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके इन बच्चों का मुस्तकबिल बचाया जाए।